हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट आया वो पूछ रहे सर, नेवी एमआर एसएसआर का जो रिजल्ट आ गया है अभी, फेज़ टू में क्या क्या होगा बता दो, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली असली कंपटीशन जो है ना अभी स्टार्ट हुआ, बिकॉज फेज़ वन उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करा लिया। जस्ट एक कह सकते हैं ना कि हाँ चलो आप खुश हो जाओ और कुछ नहीं, बाकी रिटर्न एग्जाम तो अभी बाकी है। असली रिटर्न एग्जाम बाकी है जो कि होना है वहाँ पर, और रिटेन एग्ज़ाम भी होगा, और पूरा सिलेबस कुछ भी अलग नहीं होने वाला, पूरा सिलेबस सेम होगा आपका। वो एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने लिया कि ठीक है चलो ले लेते हैं, आप एंट्री कर लो, बाकी फिर से आपकी लेंगे वहीं पे सब। कहने का मतलब अभी आपका फिर से रिटेन होगा और सेम डेज आपका फिज़िकल होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। तो चलो मैं एक एक करके सब कुछ बता देता हूँ, चाहे आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, तो किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, वो सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके जाओ एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे लगातार भेज रहे सर मेरा रिजल्ट आया, और भी बच्चे थे कि सर ए टू जेड स्टडी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ, थैंक यू। मतलब थैंक यू उन्होंने कहा ए टू जेड स्टडी के लिए, बाकी वो शॉर्ट लिस्टेड है इस चीज़ के लिए उन्होंने थैंक यू कहा। इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट है, मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊँगा। एक और रिजल्ट आपके सामने है यहाँ पर, डियर कैंडिडेट यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज टू अग्निवीर नेवी 01-2023, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो ना वहाँ पे कह रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटेन एग्जामिनेशंस वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पे होगा फेज टू में। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर नेवी से मैसेज आ गया, मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने बोला आपकी वजह से थैंक यू। देखो मेरी वजह से नहीं, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, इन्होंने सर पहले भी कुछ पूछा था, अच्छा हाँ ये एयरफोर्स के बारे में भी कुछ पूछ रहे थे। यहाँ पे देखो कम्प्लीटली यहाँ पे मेहनत आपकी है, ठीक है, मेरी मेहनत नहीं है, मेरी तो यही चीज़ है कि मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दिखाया होगा या फिर थोड़े बहुत पीडीएफ हमारे होंगे और वो भी आपने पे करके बाई किया, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कम्प्लीटली आपका, आपने मेहनत की और आपने क्रैक किया। बट इसको खुश होकर इतना ना ये नहीं हो जाना कि हम बहुत तेज़ हैं, अभी असली ना कंपटीशन बाकी है, तो थोड़ा सा सब्र रखो, फेज़ टू बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर करो, फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आएंगे सब मिलके टू जेड स्टडी पे इंटरव्यू वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल चलो हम बात करते हैं तैयारी के लिए। अच्छा असली जो मैसेज था ना वो आपको दिखाना मैं भूल गया, एक बच्चे का ये देखो टेलीग्राम पर उन्होंने भेजा था, वो कह रहे थे सर एयरफोर्स में ना देखो एयरफोर्स में मैं बस इंग्लिश के वजह से रुक गया, लेकिन इस बार उसको भी फोड़ना है। लव यू सर, मैंने आईएसजी की पीडीएफ 500 प्लस जीके एंड करंट अफेयर वाली पीडीएफ से पढ़ा था, मजा आ गया। ये जो गए थे ना ये एग्ज़ाम देने गए थे तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पीडीएफ पढ़ा था इन्होंने, इंडियन जीके के लिए, और साथ में करंट अफेयर की जो पीडीएफ पढ़ी थी इन्होंने, और फाइनली यहाँ पे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे रिजल्ट इनका आ चुका है स्टेज टू का। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप में से जितने लोग अगर अभी नेवी एमआर या फिर एसएसआर में नहीं शॉर्ट लिस्टेड हो पाए थे, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। देखो इन बच्चे का एयरफोर्स में पिछली बार इंग्लिश की वजह से रुका था और इस बार ये फोड़ चुके हैं, तो पिछली बार या फिर इस बार किसी का रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब आपका फ्यूचर तय नहीं होता, आपका फ्यूचर तय होगा अभी के बाद से आप कितना मेहनत करते हो। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए लग जाओ जो लोग फेल हो चुके हैं, तो मतलब ये नहीं कहना ना कि हमसे कुछ नहीं होगा आगे। बहुत सारे बच्चे मैंने आपको दिखाया था, गौरव चौहान, गौरव सिंह या फिर गौरव राजपूत, दो लोग थे ना, गौरव चौहान और एक गौरव राजपूत नाम था उनका, ये दोनों बच्चे, इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन का जो आया था ना एयरफोर्स में, इन दोनों ने ना एज रिलैक्सेशन लेके एयरफोर्स भरा था जब टीओडी फर्स्ट टाइम लागू हुआ था, और दोनों ने बहुत अच्छे स्कोर के साथ फोड़ दिया था। उसमें से गौरव चौहान जो थे उनका भी सिलेक्शन हुआ, गौरव जो राजपूत थे इनका भी सिलेक्शन हुआ, तो दोनों में से एक बच्चे ने ज्वाइन किया एयरफोर्स अग्निवीर और एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। जो ज्वाइन कर लिए वो अभी एयरफोर्स में, मैंने इंटरव्यू भी डाला था, दोनों मेरे कॉन्टैक्ट में, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो अभी एफ कैट को भी फोड़ चुके हैं, अभी वो एसएससी सीपीओ को भी फोड़ चुके हैं। तो ये चीज़ है ना, डरना नहीं है। सोचो वो उतने अटैम्प्ट में उनका कब जाके हुआ एज रजिस्ट्रेशन वाले में, एक बार पहले भी हुआ था तो उनका रिजल्ट ही मतलब कैंसिल कर दिया गया। तो इसलिए मैं एक चीज़ समझो कि अपने आप से डरना नहीं है कि रिजल्ट नहीं हुआ तो रुक जाए, लगे रहो। अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, अब सिलेबस के बारे में सुन लो, चाहे आप एसएसआर की तैयारी करो चाहे एमआर की तैयारी करो, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। जो आपने फर्स्ट फेज को क्लियर क्रैक करने के लिए पढ़ा है ना, सेम चीज़ होंगी, लेकिन अभी ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन ओएमआर पे होगा। तो आप सेम चीज़ पढ़ो और ओएमआर सीट खरीद के ले आना मार्केट से। ओएमआर पे थोड़ा बहुत ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत डालना, ओएमआर को किस तरीके से क्लियर करते हैं, मतलब कुछ नहीं, 5-6 दिन लास्ट के कर लोगे ओएमआर पे प्रैक्टिस तो काम हो जाएगा आपका। तो और बाकी नया कुछ नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है। बाकी आपको अगर कुछ पीडीएफ्स वगैरह आपको नहीं पता है कहाँ से पढ़े तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो मैं एक चीज़ फ़ोन में अपने पीडीएफ को ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ मैंने रेडी किया था वो सिर्फ कोस्ट गार्ड के लिए नहीं था, ये एयरफोर्स के लिए भी था, नेवी एसएसआर एमआर के लिए भी था, जीके का जो कि फ्री है सबके लिए, कोस्ट गार्ड के लिए भी था।
और पिछले 1.5 साल से ये पीडीएफ इतना धमाल मचा रहा है, एयरफोर्स में भी आ रहा है यहाँ से पीडीएफ, इस बार कोस्ट गार्ड में भी फोड़ दिया हमने इसी पीडीएफ से, फ्री वाली पीडीएफ से। बाकी नेवी एमआर का तो और एसएसआर का तो रिजल्ट आपके सामने, बच्चे खुद कह रहे हैं ये पढ़ के गए थे, तो फेज़ टू के लिए भी इसको पढ़ लेना एक बार, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप फेज़ टू के जीके के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नेवी एमआर की जीके की बैच मैं लॉन्च करा देता हूँ, ठीक है, जो कोस्ट गार्ड में पढ़ाया था उसको मैं सेपरेट करा दे रहा हूँ, और मैं उस जीके की कोर्स को ना जस्ट 100 रुपीज़ करा देता हूँ, ठीक है एमआर वालों। और साइंस की क्लासेस को ना मैं एमआर के लिए, ध्यान से सुनना, एमआर का जो एग्ज़ाम दोगे एमआर के लिए, साइंस और जीके की क्लास को मैं 100 रुपीज़ मतलब 200 रुपीज़ में साइंस एंड जीके दोनों खरीद के आप पढ़ लोगे, या फिर मैथ भी पढ़ना है तो आप कोस्ट गार्ड वाला पढ़ सकते हो फेज़ टू के लिए, मतलब है ना, तो ये चीज़ आप पढ़ लो वहाँ से। आपको मैं नेवी एमआर के 300 रुपये में कंप्लीट कोर्स करा दे रहा हूँ, जिसमें आपको टेंथ सीरीज भी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की क्लास भी मिल जाएगी, जो कोस्ट गार्ड के लिए हमने पढ़ाई थी वो एमआर के लिए करा दे रहे हैं, उसमें से साइंस मतलब इंग्लिश की तो उनको ज़रूरत नहीं है। बाकी एसएसआर वाले जो हो ना, वो जस्ट वो कोस्ट गार्ड के लिए जो इंग्लिश अलग से हमने बैच कर रखा 150 के से या फिर 125 रुपये की कुछ बैच थी, वहाँ से इंग्लिश पढ़ लो। मैं तो कहूँगा कि अभी फिलहाल के लिए पेड बैच पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत बच्चे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अगर आपने फेज़ वन फोड़ा है ना, तो बिना किसी पेड बैच के फेज़ टू भी फोड़ लोगे। मैं पेड की तब बात कर रहा हूँ जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा खुद से तब, लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं से भी पेड मत खरीदो, टू जेड स्टडी से भी पेड मत खरीदो, मत खरीदो, आप पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि आपने फेज़ वन फोड़ा है तो आप एक क्रीम हो, समझ में आ रहा है, दूध से निकले हुए क्रीम हो, जो आप जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसी को रिवाइज करके जाओगे तो फेज़ टू फोड़ दोगे। बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हमारे टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, पेड बैचेस की आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। तो या फिर आप नो फिलहाल के लिए एसएसआर वालों ध्यान से सुनो, अलग से कुछ नहीं, जो हमारी वो कैबलरी की पीडीएफ है उसको एक बार देख लो अगर आपने बाई की है तो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, रुको, इस वो कैब की पीडीएफ को हमने रेडी किया था कोस्ट गार्ड एयरफोर्स नेवी को, और इस बार भी कोस्ट गार्ड में एयरफोर्स में तीनों में नेवी में भी धमाल मचा रखा था ये पीडीएफ। इस पीडीएफ को बाई करना अगर एसएसआर वाले हो तो आप बाई कर सकते हो, हमारे टीम को व्हाट्सअप करके, मैंने नंबर दिया था ना आपको 7279047787 पे। और साथ ही साथ आप ना करंट अफेयर के लिए, अब वो पीडीएफ शायद आपको काम नहीं करेगी बिकॉज वो थोड़ा सा पुराना हो गया हमारी पीडीएफ, जिसने बाई कर रखा उसको भी पढ़ लेना, और कुछ यूट्यूब से भी आप करंट अफेयर पढ़ के देना, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम आगे जाता है तो करंट अफेयर थोड़ी सी बदलती हैं, ठीक है। तो ये जो वोकैबुलरी की एसएसआर वालों पीडीएफ खरीद के इसको आप पढ़ लो, ठीक है। और नेवी एमआर के लिए भी मैं बताता हूँ आपको, नेवी एमआर की साइंस की पीडीएफ है और मैथमेटिक्स की पीडीएफ, और जिसने कोस्ट गार्ड का पीडीएफ ले रखा है वो पीडीएफ मत लेना, ठीक है। नेवी एमआर में कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से, कुछ कोस्ट गार्ड वाला ही काम चल जाएगा, लेकिन जिसने अभी तक कोई पीडीएफ नहीं लिया वो हमारी साइंस की पीडीएफ और मैथ की पीडीएफ बाई करके आप एग्जाम से पहले पढ़ लो, और जीके की तो फ्री मिल जा रही है सबको टेलीग्राम चैनल पे वगैरह पे भी, एप्लीकेशन पे भी, इसको पढ़ के आप एग्जाम देने जाओ, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आने वाले फेज टू में भी। और अगर आप नेवी एमआर का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो एटीट्यूड स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। और सोच रहे हो क्या कुछ मैं नया बता दूं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो कुछ नया मत पढ़ो गाइस, जो चीज़ आप फेज़ वन को पढ़ रहे थे ना उसी को थोड़ा सा और रिवाइज करो, अब एक बार नहीं 2 से 3 बार रिवाइज करो, और साथ साथ में आपको फिजिकल के लिए भी तैयारी करते रहना है, ठीक है, फिजिकली फिट रहना आपको, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको फिजिकली फिट होने के लिए, कहीं हाथ पैर में चोट नहीं लगाना वगैरह वगैरह चीज़ें, तो इसका सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है। और इस बार थोड़ा सा पेपर ऑनलाइन है तो मैं सॉरी ऑफलाइन है अभी, तो आप थोड़ा सा ओएमआर वगैरह लेके ना प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो यही कहूँगा, कहीं से भी कर रहे हो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो हमारे पास है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो हम आपको नहीं दे पाएंगे बिकॉज घर में आके सबको तो ऑफलाइन टेस्ट ही नहीं देंगे ना, तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करके जाना, बिकॉज इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना, मैं फाइनली यही कहूँ कि अब कुछ रहता है कि अलग से पढ़ना है तो मैं आपको कुछ बताता लंबी चौड़ी डींगे हाँकते, बट यहाँ पे डींगे हाँकने वाली कोई चीज़ नहीं है। और पेड बैचेस 200-300 से बचो जब तक जितना संभव हो सके, अलग से कोई पेड बैच मत लो मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, हाँ तभी लेना जब आपको लगता है कि नहीं अभी आपका वीक है कुछ, आपने फेज़ वन तुक्का मार के निकाल लिया होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं आपने डेडिकेटेड होकर तैयारी किया था और एग्ज़ाम क्रैक किया, कहीं से कोई पेड बैच मत लो, पैसे बचाओ, वो पैसे को आगे भाड़ा में काम आने वाला, किराया में आने जाने में, है ना। तो चलो गाइज़ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और इस वीडियो को ये मत सोचना कि आए मास्टर साहब बस ऐसे ही डिंग आके चले गए, बस मेरे को पता है कि कुछ अलग से नहीं आएगा, बस वही चीज़ें पढ़ के जानी है जो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया अभी ऑफलाइन दोगे, और समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आने वाला है लेकिन ऑफलाइन होगा और वहाँ पे फिजिकल वगैरह सब साथ में होंगे, तो रेडी होके जाना। और इसके बाद शायद नेवी के लिए कोई वीडियो मैं ना बना पाऊँ क्योंकि मैं एयरफोर्स और आर्मी के पीछे लगना चाहता हूँ, बट बहुत सारे लड़के मिल के अगर कमेंट करते हैं व्हाट्सअप करते हैं किसी टॉपिक पे नेवी के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं शायद कोई वीडियो बना दूँ, ठीक है, अगर आपको कमेंट्स लगातार आते हैं तब। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।